राज्यपाल से मिलने के बाद उनके पीछे पीछे आपको पता है कि सुशील मोदी भी गए थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रशांत किशोर जो कि बिहार की राजनीति पर और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं, ये जितने भी दल हैं इसमें जुटे हैं, तब बनर्जी के लिए भी काम किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया है, साउथ के कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अखिलेश के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगर 2024 में ही 2025 का चुनाव हो जा रहा है तो आप लगातार करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे, वैसी स्थिति में हम तो उपचुनाव नहीं छोड़ रहे उपचुनाव हम तो उपचुनाव नहीं छोड़ रहे आपने देखा ना बात हमने शिक्षक वाला उपचुनाव था ये मानकर चलिए कोई भी चुनाव आएगा उसके लिए हमेशा हम लोग कमर कस के खड़े हैं चुनाव जब आए आप 24 की बात करें 23 में हो जाए तभी आप तैयार धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी सज्जनंद राय जो लगातार कहते आए हैं कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव 24 में हो 25 में हो या 23 में हो इसके लिए हमेशा सज्जनंद तैयार हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों गठबंधन को इन्होंने नागनाथ और सांपनाथ बताया है। साथ ही साथ इनका नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। अमित शाह के पटना से यानी बिहार से जाने के बाद और नीतीश कुमार के 23 तारीख की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा शुरू हो गई है और यह चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार 23 तारीख की मीटिंग के बाद बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्या वो 23 तारीख की मीटिंग के बाद अगली जो बैठक होने वाली है शिमला में उस बैठक में कोई फ्रूटफुल डिसीजन तक पहुंच पाएंगे, आखिर कैसे होगा ये सब कुछ जबकि इन 15 दलों की मीटिंग में कई दल अभी से ही छटकना शुरू कर चुके हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उधर दूसरी तरफ आप अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर दबाव बना रही है। अब तो चर्चा यहाँ तक हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, पटना साहिब से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमने पहले भी आपको एक संभावना बताई थी कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं जब बिहार बहुत ज़्यादा परेशान करेगा भारतीय जनता पार्टी को तो नरेंद्र मोदी को यहाँ लाया जा सकता है, इससे बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों को समेटा जा सकता है। 162 सीटों की बात हमने की थी, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, आपने देखी भी होंगी। लेकिन एक और भी चर्चा हम लगातार आपको करते आए हैं, वो चर्चा है तीसरे मोर्चे की, गैर भाजपा और गैर महागठबंधन। इन दोनों के अलावे एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट बड़ी तेज हो गई है और इस सुगबुगाहट के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अगर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो उनके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि वो फिर से महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाए तो फिर वहाँ से कई दल बाहर होंगे, ऐसी स्थिति में तीसरा गठबंधन बनेगा क्योंकि वो गठबंधन जो पूरी तरह से नुक्ताचीनी करके नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के अलग हुआ है कि वो फिर से जंगल राज ला रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तीसरे विकल्प की तरफ शिफ्ट करेंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार इतने परेशान हो जाएं कि 2024 के साथ 2025 का चुनाव भी करा लें विधानसभा का और उसके लिए तीसरे विकल्प की गुंजाइश बनती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का दबाव बढ़ता है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई डिसीजन ले सकते हैं और ये डिसीजन नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार को यह अधिकार है कि वो जा करके राज्यपाल के पास, पहले भी राज्यपाल से मिल चुके हैं और राज्यपाल से मिलने के बाद उनके पीछे पीछे आपको पता है कि सुशील मोदी भी गए थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रशांत किशोर जो कि बिहार की राजनीति पर और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं, ये जितने भी दल हैं इसमें जुटे हैं उनमें से अधिकांश दलों के लिए प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, इसलिए अगर सबसे बेहतरीन तरीके से किसी के पास इन बातों की सूचना इस मीटिंग के अंदरूनी बातें पहुंचेगी तो वो प्रशांत किशोर हैं। इसलिए कि प्रशांत किशोर भले ही अब रणनीतिकार के रूप में काम करना बंद कर चुके हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक समाज सुधार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लगातार यात्राएं की हो, लेकिन संबंध जो पुराने हैं वो संबंध यथास्थिति अभी भी कायम है, चाहे नीतीश कुमार से हो या अन्य लोगों से। नीतीश कुमार के साथ तो कई मुलाकातें भी उनकी हो चुकी है, चाहे दिल्ली में हो या फिर पटना में हो। इसके बाद आपको बताते हैं कि और कई दल हैं, जैसे उन्होंने प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए भी काम किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया है, साउथ के कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अखिलेश के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर से बेहतर इन बातों को कोई नहीं जान सकता है।
जब प्रशांत किशोर इन बातों को जान सकते हैं, जब प्रशांत किशोर इन सारी बातों से अवगत हो सकते हैं, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को रणनीतिकार के रूप में सभी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस मीटिंग की बातें प्रशांत किशोर तक पहुंचती हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब ये बातें प्रशांत किशोर के पास पहुँचती हैं तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आने लगती है, और ख़ास करके तब और ज़्यादा इन बातों पर मुहर लगती है जब नीतीश कुमार इशारा कर दें कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सच्चिदानंद राय ने कहा था कि वो लोकसभा का चुनाव सारण से लड़ने के लिए एकदम पूरी कमर कस चुके हैं। ये बात जैसे ही उन्होंने कहा तो पहली बार ये क्लियर हुआ कि जनसुराज जो है वो अब अपना काम शुरू कर सकता है, और भले ही 2025 की तैयारी हो रही हो, 2025 में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचने देना और जनसुराज का ही मुख्यमंत्री बनना, ये सारी बातों की तैयारियां चल रही हैं। काम कठिन है लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बुद्धिजीवी, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग लग चुके हैं। इन बातों को लेकर के जब हमने हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल कुमार ने सच्चिदानंद राय से बातचीत की तो उन्होंने 2024 और 25 के एक साथ चुनाव होने पर बहुत सारी बातें कही हैं। वो साफ दर्शाता है कि जनसुराज और प्रशांत किशोर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। चुनाव चाहे जब भी हो, काहे ना कल ही हो जाए, 2023 में ही हो जाए, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जब इन बातों को लेकर के सच्चिदानंद राय ने कहा तो हमें लगा कि ये खबर आप तक सबसे पहले पहुँचानी चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद राय ने सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, आप ये अगर 10 मिनट का क्लिप देखना चाहते हैं तो आपको इसके बाद वाली खबर देखनी होगी, क्योंकि ये छोटा सा एक हम आपके सामने ला करके रख रहे हैं क्लिप, जिसमें उन्होंने ये बातें स्वीकार की हैं, कहा है कि यदि 2023 और 24 25 कभी भी चुनाव हो जाते हैं या 24 25 का एक साथ चुनाव हो जाता है, जब भी होगा हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। क्या कहा है सच्चिदानंद राय ने, आप खुद सुन लीजिए। सर, अगर 2024 में ही 2025 का चुनाव हो जा रहा है तो आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, वैसी स्थिति में आप क्या? हम तो उपचुनाव नहीं छोड़ रहे, उपचुनाव हम तो उपचुनाव नहीं छोड़ रहे। आपने देखा ना, बात हम हमने जो शिक्षक वाला उपचुनाव था, ये मानकर चलिए कोई भी चुनाव आएगा उसके लिए हमेशा हम लोग कमर कस के खड़े। चुनाव जब आए, आप 24 की बात करें, 23 में हो जाए तभी आप तैयार। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी सच्चिदानंद राय, जो लगातार कहते आए हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव 24 में हो, 25 में हो या 23 में हो, इसके लिए हमेशा सच्चिदानंद तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों गठबंधन को इन्होंने नागनाथ और सांपनाथ बताया है। साथ ही साथ इनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन जो यहाँ पर विपक्षी एकता किया है वो किसी भी तरह से संभव नहीं है। सच्चिदानंद राय की बातों का क्या असर होगा बिहार की राजनीति में, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।